दोस्तों, यदि आप खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यह बात भी मालूम होगा कि पृथ्वी का गठन प्रक्रिया सौरमंडल के गठन प्रक्रिया से संबंधित है। सौर प्रणाली बनाने वाली गैस धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और तापमान में लगातार वृद्धि होने के कारण केंद्र में अधिक द्रव्य एकत्रित होते गए। धूल के इस संघनित आणविक बादल से सूर्य का निर्माण हुआ। तेजी से घूमने के कारण बाकी बादल छितक गए और सूर्य के चारों ओर एक प्लानिटरी डिस्क में समतल हो गए। प्रोटो प्लानिटरी डिस्क में धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण एक साथ टकराते और चिपकते हैं, जो ग्रहणिति बनाते हैं। जब वे लगभग 1 किलोमीटर के आकार तक पहुँच गए तो वे आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण टकरा गए, जिससे प्रोटो प्लानेट बन गए, जो कुछ 1000 किलोमीटर व्यास के थे। इस तरह पृथ्वी का गठन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के लगभग 170 मिलियन वर्ष बाद एक और युवा ग्रह, जिसे थिया नाम से जाना जाता है, पृथ्वी से टकरा गया और यह पृथ्वी के साथ विलय हो गया। इसीलिए पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता गया, प्रभावी रूप से अपने वर्तमान द्रव्यमान तक पहुँच गया। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के चारों ओर मलबे की एक रिंग बनाई, जो बाद में चंद्रमा बन गई। रिंग के विघटन के बाद चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर 25,000 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए एक चमकदार गर्म आकाशीय पिंड बन गया। इस अवधि के दौरान चंद्रमा में अभी भी ज्वालामुखी, लाभा प्रवाह और अपना चुंबकीय क्षेत्र था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होने वाली ज्वारीय घटना ने कई बदलाव किए। सबसे पहले चंद्रमा पृथ्वी से टाइडली के साथ बंद हो गया, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा को अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त बनाना। और इसी तरह चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से हट गया, ठंडा हो गया और फिर बाद में भौगोलिक रूप से निष्क्रिय हो गया। वर्तमान समय में पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 384,000 किलोमीटर है। यहाँ तक कि इस दिन तक यह पृथ्वी 3.8 सेमी प्रति वर्ष से पुनरावृत्ति कर रहा है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा को पृथ्वी घूमने में अधिक समय लगता है। हालांकि ज्वारीय लकिंग के कारण अपनी स्वयं की धुरी पर घूमने में लगने वाली अवधि भी बढ़ रही है। ज्वारीय घटना पृथ्वी को भी प्रभावित करती है। पृथ्वी की स्पिन अवधि कम हो रही है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जान लेना जरूरी है। ग्रह एक खगोलीय वस्तु जो एक तारे जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए यह चमकता नहीं। लेकिन बड़े पैमाने पर अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोलाकार किया जा सकता है। स्टार प्लाज्मा का एक चमकदार क्षेत्र है। इसके सेंट्रल कोर के अंदर होने वाली विभिन्न फ्यूजन प्रतिक्रियाओं के कारण चमक रहा है। सौरमंडल, सूर्य सौर प्रणाली पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से हावी है। यह प्रणाली लगभग 2 प्रकाश वर्ष रेडियस की है। कई छोटे वस्तुएं सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।